फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के एमपीए शोएब इदरीस की गुंडागर्दी, एलाइड अस्पताल के गार्ड को थप्पड़ मार दिया। एमपीए के सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द नुमा मुहाफिज ने गार्ड पर बंदूक तान ली और असलहे की नुमाइश की, पुलिस मामले से लाताल्लुक। कराची में लैंड माफिया बेलगाम, सोल्जर बाजार में कायम कदीम सरकारी स्कूल गिरा दिया गया, सालसा और तलबा सरापा एहतजाज। डिप्टी मेयर अरशद वोहरा कहते हैं स्कूल गिराना तालीम पर हमला है, सिंध हुकूमत से दोबारा तामीर की दरख्वास्त करूंगा। आईजी सिंध ने वाकये में पुलिस एहलकारों के मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी, 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इंसाफ की फराहमी में किसी ताकतवर शख्सियत से मरूब होना गुनाह है, खुदा की आयद करदा जिम्मेदारी निभाने का अज़्म होना चाहिए। आईजी सिंध एडी खाजा का कराची में पैसिंग आउट परेड से दबंग खिताब, शेर भी पढ़ा। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। पैसिंग आउट परेड में खवातीन एहलकारों ने सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, कत्ल के जुर्म में पहले सजाए मौत सुनाई गई, फिर सजा उम्र कैद में बदल गई। 14 बरस जेल में गुजारने के बाद मुलजिम बेगुनाह साबित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बाज़ औकात पुलिस खुद कहानी घड़ लेती है, जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मनसूबा केस की समाअत, मुद्दई की वकील तब्दील करने की दरख्वास्त पर अदालत बरहम। आप अदालत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को शेखुपुरा की सिविल कोर्ट समझ रखा है, जजेस के रिमार्क्स। किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम के खिलाफ जहरियत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम रहमत और इंसाफ का पैगाम लेकर आया है। इमाम काबा का लाहौर के इलाके मंसूरा में नमाज फजर की इमामत के बाद खिताब, आज नमाज जोहर की इमामत और अहले हदीस उल्मा कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। सखर में फायरिंग के तबादले में हालात मुबैना दहशतगर्द की शराख्त हो गई, नाम कामरान भट्टी था। पुलिस की तस्दीक, इस्लामाबाद स्वाबी और हाफिजाबाद में छापे के दौरान 74 अफराद जेरे हिरासत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी, कपवाड़ा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की फायरिंग से 8 मुजाहिरीन की शहादत के खिलाफ मकबूजा वादी में हड़ताल। अमेरिका ने फिर शुमाली कोरिया को फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी, वजीर खारजा एलेक्स टिलरसन कहते हैं चीन अमेरिकी कार्रवाई से मुत्तफिक है, हमारा मकसद कोरियाई खित्ते को एटमी हथियारों से पाक करना है। रिफंड्स की मालियत 200 अरब रुपए तक पहुंच गई, पैसे ना मिलने की वजह से बरामदात गिर रही है। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शमीम अहमद फिरको कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने से आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया मुसाबकत के काबिल नहीं।